हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एचआर क्लासेस। मैं प्रियंका, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस जो पेपर लीक होने की खबर आ रही है उसके बारे में। क्या ये खबर सच है? और आपको आगे आना होगा अपने हक के लिए, आपको बोलना होगा। बहुत सारे यूट्यूब के जो हमारे टीचर्स हैं वो भी आ चुके हैं, वो भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और वो एकदम सत्य चीज़ें हैं। तो अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा, बोलना होगा। आगे आइए और ट्वीट कीजिए, जितना हो सके उतना ट्वीट कीजिए, यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपी हैशटैग यूपी पुलिस री एग्जाम। आप आगे आएंगे तभी आपके हक की बात हो सकती है। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे इस चीज को, आप सोच कर देखिए, आपने इतने साल से, 5 साल बाद भर्ती आई है, और इस 5 साल में भर्ती आने के बाद भी ये हाल है। अगर आपके 130 नंबर क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं, उसके बाद भी आपको, आपका नंबर कहीं नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चन वाले का नंबर आएगा कि आपका नंबर आएगा, आपका नंबर कहीं नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके उतना ट्वीट कीजिए, हमारी सरकार से विनती, मतलब गुहार लगाइए कि आपको एग्जाम दोबारा करवाना है। इस चीज की जांच हो, सरकार से कहिए, और शांत तरीके से कहना है, ऐसा नहीं है कि उपद्रव करना है, क्योंकि सरकार भी हमारी है, हमारी चीजों को वो जरूर सुनेगी। तो सरकार से गुहार लगाइए, उनसे कहिए कि जो हो रहा है वो गलत है, और जिन्होंने ये काम किया है उन्हें, उनका पता लगाया जाए, और उनसे उन्हें बताया जाए कि वास्तव में मेहनत कौन कर रहा था। अगर आपने ये काम नहीं किया तो कोई और ही लड्डू खा जाएगा, आप समझ रहे हो। 5 साल और भर्ती आने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कौन होगा उसमें, जाएगा कौन? वही जाएंगे जिन लोगों के हाथ में पेपर लगा होगा। अगर मैंने पढ़ाई की है, पूरे 5 साल से मैं इंतजार कर रही थी भर्ती का और पढ़ाई कर रही थी, लास्ट मोमेंट पे आकर मेरे हो रहे हैं 120 क्वेश्चन सही, और उसको आधा घंटा पहले पेपर मिल गया, उसके हो रहे हैं 150 क्वेश्चन सही। तो आप ही सोचिए, सही लगेगा कौन, मेरिट कहाँ जाएगी उन्हीं लोगों के बीच में? 60,000 जगह, 60,000 में अगर 50,000 बच्चे भी, मान लो 50,000 ही मान लो आप, उनके हाथ में भी अगर पेपर लगा होगा 50 लाख में से, तो कौन लगेगा? वही लोग लगेंगे जिनके हाथ में पेपर था। और जिसके हाथ में पेपर आ गया है पहले से, वो ऐसा तो है नहीं कि 130 ही सही करके आएगा, कभी नहीं करके आएगा। किसी के भी हाथ में अगर पेपर लगा है तो वो उसके एक दो क्वेश्चन छोड़ेगा बस, बाकी सब रंग के आया होगा, यकीन मानिए। इसीलिए आपको आगे आना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जितने लोगों ने पेपर दिया उनके पास ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, और इसी चीज के लिए अपडेट मैं आगे आपको देती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।